मध्य प्रदेश में उपचुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति की तैयारी में लगी हुई है। इसी को लेकर इंदौर संभाग की चुनाव प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो व कई बड़े नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है। इसी कड़ी में इंदौर संभाग के चुनाव प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री विजयलक्ष्मी साधो सहित कई बड़े नेता जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए इंदौर पहुंचे। यहां सभी कार्यकर्ताओं के साथ गांधी हॉल भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन से पहले विजयलक्ष्मी साधो कुलदीप इंदौरी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी को आड़े हाथों लिया। इंदौर की प्रभारी विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कुशल नेतृत्व में जीतने वाले प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इंदौर, क्योंकि इंदौर से दिशा निर्देश प्रदेश को जाते हैं। आर्थिक राजधानी है ही है, हम लोग के सबके सामूहिक प्रयास रहेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत एक छोटी पदनी सी कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी बहुत बड़ी नेतृत्व ने मुझे दिए हैं और इसका सही तरह से निवारण और पालन कर सकूं, क्योंकि इंदौर हम लोग के लिए बहुत प्रेस्टीजियस शहर है। सर्वे के आधार पर जो वहाँ के लोग जिनको चाहते हैं, जो सही नेतृत्व उस क्षेत्र को दे सकते हैं, और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो वहाँ के वर्कर हैं, जो उस वार्ड में रहते हैं या जो शहर में रहते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि कौन व्यक्ति विनिंग कैंडिडेट है। उसके आधार पर, गुणदोष पे, सर्वे के आधार पर सारा कुछ दारोमदार रहेगा और बेहतर कैंडिडेट हम लोग उतारेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे कांग्रेस सचिव व नगरीय निकाय चुनाव के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरी ने कहा कि कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद नगरीय चुनाव में कांग्रेस की ओर से उतारे जाने वाले प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। उनका कहना है कि बीजेपी जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उसके लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। जिसकी पार्टी की विचारधारा है, ऐसे योग्य उम्मीदवारों का ही हम चयन करेंगे जो जीत कर आ सके, और सब लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। और अभी भी पिछले चुनाव में कहीं कोई गुट मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं पूर्व में भी ग्वालियर और शिवपुरी जहां मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, वहां किसी नेता के प्रति कोई इस तरह की भावना नहीं आई कि हम फलां व्यक्ति से जुड़े हुए, और इस तरह की बात मुझे तो नज़र नहीं आती कि कोई गुटबाजी यहाँ प्रदेश में है। तो वहीं बैठक से पहले ही रेसिडेंसी कोठी पर विजयलक्ष्मी साधो व कुलदीप इंदौरी से मिलने के लिए कई भावी प्रत्याशी फूलमाला व साफा लेकर पहुंचे। भव्य स्वागत करने के बाद बड़े से लेकर छोटे नेता अपना परिचय देकर वार्ड नंबर गिनाते हुए नजर आए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।